आज देखिएगा, हम यहाँ पर इनसे बात करें, क्या नाम बताया आपने? हाजी शराफत खान है। हाजी शराफत खान, चुनौती दे दी नाहिद हसन को सीधी और हमको बता दिया एजेंट। हम एजेंट नहीं है किसी के, हम अपना काम कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। आपने मुझे दहशत में दिलाया, आपने डराया कि तुम खतरे में पड़ जाओगे, तो इसलिए एजेंट बता दिया। हाँ, वो क्या करता हूँ जो मुझे आप डरा रहे हो इस वीडियो के सामने, जो ये आप जो है दुनिया भर में वीडियो खींच रहे, पूरे हिंदुस्तान में जाएगी वीडियो, आप मुझे दहशत दिलाना चाह रहे हो और मैं डरने का नहीं। हम आपको कोई डराना नहीं चाहते, आप तो इसमें डरा रहे हो मुझे, आप वीडियो में डरा, कैमरे में डरा रहे हो आप पूरी। मैं तो डरना नहीं, लेकिन लोग डर जाएंगे। बस जो वैसे आदमी को जो है ड्राइवर कह रहा है भाई, वो खतरे में पड़ जाओगे, तो इनका क्या होगा जो गरीब आदमी होंगे जो डरपोक भी हैं? इसीलिए मगर वो हो सके तुम आदमी हो और मुझे डराना आ गया हो इस पर। मान नहीं रहे हैं हम किसी के आदमी नहीं है। जी शराफत खान है। हाजी शराफत खान जी मुस्लिम है जी? पठान है। मुस्लिम है, पठान है। तो क्या लग रहा माहौल क्या है? माहौल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आएगी, अच्छा, और यहाँ किराना मृगांका सिंह की विजय होगी। अच्छा जी, और बताइए क्या पूछना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आप कह रहे हैं ये बात? मुस्लिम वोट देंगे भाजपा? वोट देंगे, बेंच पे बना देंगे, क्यों नहीं देंगे मुस्लिम वोट? जो लोग आराम से सुकून से सो रहे हैं, गुंडागर्दी से बच रहे हैं, शांति है, सुख है, और क्या कहाँ जाएंगे? मकान आवास विकास योजना में जो हमारे 70% मकान हमारे बन रहे हैं यहाँ पे कराने में, 3500 वोट मतलब है मकान बने, 1000 हिंदुओं को नहीं बने होंगे, 2500 मुसलमानों को बन रहे, कहाँ जाएंगे मुसलमान? वो वैसे आए थे, कहते 20 मुसलमानों को मकान नहीं दिए, हिंदुओं को दे दिया उनको। अवैसी जी को यहाँ पे आके दर्शन करा दो, अच्छा, किराने के, और 2500 मकान में गिनवा दूंगा मुसलमानों के। 2500 मकान मुसलमानों के किराने किराने बरोबर किराने के जी किराने में। अच्छा, ये जितनी निधि आ रही है किसान सम्मान निधि है, उसका बेनिफिट किसी को मुसलमान में पहुंच रहा? मैं मुसलमान आज भी ला निकलवा के पैसे तो मिल रहा है, मिल रहा है, बदसूर मिल रहा है। अरे वो कहते हैं विपक्ष वाले कि सीए लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, एनपीआर लाएंगे, देश से बाहर निकाल देंगे आप लोग को। आज सुनो, आज तक ना तो किसी ने निकाला और ना कोई निकलने का, ये तो एक जो है चुनावी स्टंट हुआ कर रहे हैं। हमें तो वोट कलेक्ट करना था, हिंदू वोट डिवाइडेशन जो जा रहा था उसको इकट्ठा कलेक्ट करना था, कौन सी ने निकाला? हो गया लागू एनआरसी, सीए लागू हो गया, 5 साल इलेक्शन के आगे। तो भरोसा है सरकार पे, बाहर नहीं निकालेंगे आपको? नहीं निकालेंगे, कौन निकाल देगा बाहर हमें? हम तो जो है हमने जो है 850 साल हुकूमत की हिंदुस्तान पे, हमें कौन निकाल देगा यहाँ से बाहर? तो योगी मोदी पे भरोसा है क्या आपको? बिल्कुल भरोसा है, योगी मोदी पे भरोसा है, मोदी पे भरोसा है, पूरा भरोसा करके बैठे हैं। सरकार निश्चित रूप से आएगी, ये जो अफवाह फैलाने वाले हैं ये मुंह खाएंगे। अच्छा, कैराना की हम बात करें, नाहिद हसन है यहाँ पे तो, और नाहिद हसन जेल में चले गए हैं और सिंपैथी काफी उनको मिलती है, और कल हमारा एक रिपोर्टर बात कर रहा था लोगों से मुस्लिम एरिया में, वो तो पूरा जोर लगा रहे थे कि नाहिद हसन आएगा। सिंपैथी कहाँ इधर आएंगे आप? जेल में चला गया। भाजपा ने गलत लगा दी उन पे, वो अगर देश की सीमा पे जो जंग लड़ता हुआ जेल में चला गया हो बच्चा, तो फिर तो सिंपैथी भी होगी। एक आदमी गुंडागर्दी करेगा, लोगों लूटेगा, लोगों या अपहरण करवाएगा, गुंडागर्दी करेगा, वो कैसे सिंपैथी कहे की होगी? कैसी सिंपैथी होगी भाई? उसने गुंडागर्दी करी, गुंडा लग गई, गार्ड लूटा, उसमें मुकदमा लगा हुआ है, जेल वहाँ रेल में कांड हुए थे, कांड थाने में आग लगाई थी, उसमें मुकदमे लगे हुए, तो सिंपैथी कहे की होगी? तो क्या आप लोग नाहिद हसन के साथ नहीं? हम क्यों नहीं, हम गुंडा साथ क्यों होंगे? तुम हो जाओ उसके साथ में, गुंडा बता रहे हैं आप नाहिद हसन को? इसमें कहा शक है? जो आज जो गंगेश रेस्ट में जा रहा है, तुम्हारे भी गुंडा लग गई, मेरे भी गुंडा लग गई भाई। जो आदमी गंगेश में जा रहा है वो गुंडा तो, वो तो सरकार से पूछे जाके, पर वो सामने है, मैंने तो नहीं लगाई ना, आपने लगाई, क्यों लगी मुझे आपसे बताओ, जवाब दो। नहीं, कुछ लोग तो यहाँ पर जब हम जाते हैं कहते हैं नाहिद तो बहुत अच्छा है, हिंदुओं का भी सोचता है, मुसलमानों का भी सोचता है, उस पर तो गलत मुकदमा लगाया है। वो मुसलमानों तक नहीं सोचता, 28 दिन में छीन रखी, क्योंकि मेरे भाई का मर्डर करा रखा, और नाहिद हसन खुद मेरे जो है नक्शा 23 में खुद बेचने वालों में जमीन है, मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी की, जागीर खानदानी है मेरी, दादी लाई जमीन है। बताओ उसके बाप दादा का नाम कहीं उसमें कुछ बेनामा किसी फर्जी नाम करा दे एक आदमी के, उसकी पैरोकारी करनी शुरू कर दी, SOC के यहाँ DDC के यहाँ बुला बुलाया कोठी में उसके फादर ने, फिर जो है गुंडे से जो है अपने नाम करा लड़के के, इसने बेंची नाहिद हसन ने, लोन रिकॉर्ड है मेरे पास में, कहता हूँ आप प्रूफ दिखा दूँगा आपको, इस मैडम में तबसुम भी के शरीक उसमें, दोनों वहाँ पर बेच रहे मेरे 28 जमीन, तो इसलिए इधर थे आपको नाहिद हसन? इधर से नहीं, हम तो है इधर जी, हम तो गुंडो साथ है ही नहीं, हमें तो ये पनिशमेंट मिला हो साथ रहने का इधर का। अच्छा, एक नाहिद हसन से दूर होने की पनिशमेंट मिली? जो पनिशमेंट मिला उनसे, अब तुम मुसलमान हमारे पास क्यों नहीं आते, तुम हिंदुओं साथ क्यों हो हुकम सिंह के? अब मेरे फादर स्वतंत्र राम सेनानी थे, बाबूजी फौज में थे, दोनों का बचपन का दोस्त है, छोड़ देंगे दोस्त आने, हिंदू मुस्लिम डगबाज है हमारा ताल्लुकात अलग चीज़ है, बताइए आप।
ये तो लग नहीं रहा था मेरे को, कह रहा ना मैं मुस्लिम भाजपा को वोट कर देंगे। कौन कह नहीं करेगा? मुस्लिम क्यों नहीं करेगा? 15% करेगा, क्यों नहीं करेगा? सुनो, यहाँ जितने जो लोग शरीफ आदमी हैं वो तो जाएंगे भाजपा में, और जो गुंडे हैं, जो मतलब नशा बेचने वाले हैं, रोड पे चलने वाले हैं, जुए वाले हैं, सट्टे वाले हैं, वो जाएंगे उधर। जो गुंडागर्दी करने वाले हैं वो उधर जाएंगे। जो आप जो उनको वोट देगा उसको गुंडा बता रहे हैं आप? सट्टेबाज, नशा और ये सब कर अक्सर वो लोग जो गुंडागर्दी सपोर्ट करेगा वो उधर रहेगा, जो उनका संरक्षण वाला है वो उधर है। मुश्किल हो जाएगी मियाँ जी आपके साथ। क्या हो जाएगी? लोग पकड़ लेंगे आपको बाहर। हिम्मत पकड़ के हाथों में? अरे मुझे आदमी मरने तेरे कफन सिर बांध रखा, क्या मुझे काम डरने का? नहीं डरते। क्या मतलब? अरे हम जो 8.5 साल जो हमने जो जंग लड़ी है सरहदों पर, क्यों डरेगा? 117 साल से नया खून है मेरे जिसमें, कुट रहा मैं पठानों में, कोई काम दू जब डर जाऊँगा? नहीं डरेंगे। क्या मतलब? मुकाबला तुम कर लो, मेरे मुझे डरा के दिखा दो। कैसी बात कर रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं। अरे हम पठान हैं, हम कुछ बता रहे हैं। क्या मतलब डरने का? हमको डरेंगे? तो 5000 दिन हमला गिरा था मेरे पे 1997 में, मुझे मारा वगैरह छोड़ता था, मैं डर गया उनसे। तो इतना भरोसा कैसे हो रहा है योगी मोदी? अल्लाह पे भरोसा है? मैं नहीं भरोसा है, हम डरे हैं। मैं तो सिवा खुदा दुनिया किसी डरते ही नहीं। तो क्या लग रहा है 22 में योगी जी फिर से 22 में योगी जी फिर से आएंगे? यहाँ से मृगांगा सिंह की निकलेगी, और जो है इन लोगों को डराओ ना यूं कह के, अब तुम्हें डरा दे, तुम डर जाओगे, तुम मर जाओगे, इनको डर से ना डराओ। जी आपने तो कह देगा तुम खतरे में पड़ जाओगे, अगर तुम मुझे जैसे होगा इस टीवी पर खतरे में डाल लोगे, फिर क्या हाल होगा? पूरा देश सुन रहा होगा इसको, यो वीडियो करने कहाँ कहाँ जाएगी तुम्हें, यो क्या हुआ? इसका मतलब एजेंट हो, इसका मतलब नाइद हसन का, तुम नाइद का एजेंट हो, और क्या हो तुम? जो तुम डरा रहे हो यहाँ लोगों को, यूँ कह गए अरे तुम खतरे में पड़ जाओगे, तुम कौन हो फिर? उसका मतलब तुम उसका आदमी हो, मुझे वैसे महसूस हो रहा। मेरे को तो आज तक मिला भी नहीं भाई साहब, मैं तो ढूंढता रह गया उनको 2 साल से। भाई अगर एक मिनट भाई आप ना बोलो बीच में, आप ऐसा करो जो काम वो कर रहा वो आप काम करना शुरू कर दो, तुरंत हमें मिलेगा आपको जेल में, आपको आप एक तौर पर किसी जेब काट लो जेल मिल जाएगा आपको। देखो ट्राई करके, नहीं हम क्यों ऐसा करेंगे? जब आपको मिला ही नहीं, हम आपको मिलवा देंगे वहीं से, खुद ही नहीं मिलवा देंगे। अच्छा मतलब मिलने के लिए जेल में जाना पड़ेगा? आप कह रहे हैं मुझे आज तक मिला नहीं है भाई, अगर आप मुलाकात करने चाहो आप किसी जेब काट ले चल के, कोतवाल साहब भाई हाथ में जेब काट रखी तो वहाँ मिलो, नायदस ने मिल जाएगा आपको अगर आपकी इच्छा हो। मैं तो आप भरे मेहमान हैं, हम सम्मान करते हैं आपका, लेकिन आपको मुलाकात करने लगे इसलिए आपको कह दिया। ये भाई साहब हमारे गले पड़ गए, तो युवाओं को रोजगार नहीं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, उसके बाद भी आप योगी जी के साथ जा रहे हैं। कौन का महंगाई ज्यादा हो रही है? हम कह रहे हैं महंगाई हो गई। महंगाई में ही प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन में ही प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट में यह विकास होता है। भाई समझ में, अगर जिस देश में मंदा होगा उस देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। आप तो कपड़े होंगे कुछ तो थोड़े बहुत समझ रहा हूँ मैं आपसे जी, आप जैसे समझा रहे हैं जी जी, योगी जी के प्यार में इतने हो गए आपको महंगाई दिख नहीं रही। सवाल प्यार का नहीं योगी जी से, कुरुगी हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रतिनिधि जो शांति कराएगा, गुंडागर्दी खत्म कराएगा, भाई युवाओं को रोजगार दिलवाएगा, और बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा इसका ध्यान रखेगा, तो फिर उसके बाद ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो योगी हो चाहे मोदी जी हो, ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ ख्याल रखना पड़ेगा। इस टाइम पूरा इलाका अमन सुख शांति से है। अब ये बता दीजिए कैराना से कितना मुस्लिम वोट दे देगा बीजेपी को? कैराना से? कैराना से कम से कम 10% तो हरारत मिलेगा, 10% मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, और ज्यादा मिल जाओ तो उम्मीद है, लेकिन अब ना कम से कम 10% मिलना ऊपर जो है, लोग दुखी हैं इनसे, इनका आतंक से। चलिए धन्यवाद, देखिएगा हम यहाँ पर इनसे बात करें। क्या नाम बताया आपने? हाजी शराफत खान है। हाजी शराफत खान, चुनौती दे दी नाहिद हसन को सीधी, और हमको बता दिया एजेंट, हम एजेंट नहीं है किसी के, हम अपना काम कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। आपने मुझे दहशत में दिलाया, आपने डराया कि तुम खतरे में पड़ जाओगे, तो इसलिए एजेंट बता दिया। वो क्या करता हूँ जो मुझे आप डरा रहे हो इस वीडियो सामने, जो ये आप जो है दुनिया भर में वीडियो खींच रहे, पूरे हिंदुस्तान में जाएगी वीडियो, आप मुझे दहशत दिलाना चाह रहे हो, और मैं डरने का नहीं, हम आपको कोई डराना नहीं चाहते। आप तो इसमें डरा रहे हो मुझे, आप वीडियो में डरा रहे, कैमरे में डरा रहे हो आप पूरी, मैं तो डरना नहीं, लेकिन लोग डर जाएंगे। जो वैसे आदमी को जो है ड्राइवर कह रहा है भाई वो खतरे में पड़ जाओगे, तो इनका क्या होगा जो गरीब आदमी होंगे जो डरपोक भी हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ हो सके तुम आदमी हो और मुझे डराना आ गया उस पर। मान नहीं रहे हैं, हम किसी के आदमी नहीं है। मुझे महसूस होगा जो मुझे जब दहशत दिला रहे हो तुम खतरे में पड़ जाओगे, खतरा इन अल्लाह के अख्तियार में है, किसी के आदमी को खतरा नहीं है, जिंदगी में तुम्हारी लिखी हुएगी। अरे मेरे एक भाई जा लिया मैं चले जाऊँगा, मुझे जाने तो है ही। चलिए धन्यवाद, देखिए अब मान नहीं रहे हैं और हमें ही किसी का आदमी बता रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।